तो गाइस यानी आपको डिजिटल कैमिस होगा, अगर आपको रिटेलर लेना है रिटेलर आईडी, और गाइस इसमें वो कैसे आपको लेंगे आपको रिटेलर आईडी, और गाइस इसमें कौन कौन सा सर्विस मिलेगा। सबसे पहले गाइस यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ। ठीक है देखिए यहाँ पर देखें, मिलेगा आपको डिजिटल कैमिस सेवा रिटेलर, जैसे यहाँ पर लॉग इन मैं कर चुका हूँ। ठीक है लॉग इन करने के बाद गाइस यहाँ पर गाइस मिलेगा आपको एक सर्विस, तो भाई उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पर गाइस न्यू आए तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दें और गई बेलन की गाड़ी ऑल में प्रेस कर दे। ठीक है गई तो चलिए गई हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गई यहाँ पे जो रिटेलर आईडी है डिजिटल ग्रामीण सेवा का, यहाँ पे आपको मिलेगा रिटेलर आईडी, इसको लॉग इन कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर लॉग आउट करके लॉग इन करके आपको दिखा रहा हूँ। साइन पर आई डॉट दे दिया, यहाँ पर जाऊँगा लॉग इन पे। जैसे आप लॉग इन पेज पे जाऊँगा तो यहाँ पे लॉग इन में, चलिए मैं यहाँ पे लॉग इन कर देता हूँ आपके सामने में, पूरा मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है इसका पासवर्ड फिलअप करते हैं, जो एक कैप्चा को यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं, ये भी तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं, जो दिखेगा कैप्चा उसको फिलअप कर देंगे। 9 कैपिटल PUC 9P, और इसको लॉग इन में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे यहाँ पे लॉग इन हो रहा है। देख रहे हैं इस तरह से, यहाँ यहाँ पर देख रहे मिलेगा यहाँ पर डैशबोर्ड, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपको जो यहाँ पर डैशबोर्ड है वो इस तरह से मिलेगा सर्विस वाला आइकन में। तो सबसे पहले इसमें आपको सर्विस कौन कौन सा मिलेगा, ठीक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इनका देख रहे हैं आपको मिलेगा स्लैब और कमीशन, मिनी स्टेटमेंट इतना मिलेगा, यानी आपको पर बैंक मिनी स्टेटमेंट चेक करेंगे तो उसमें आपको 2 रुपये तक कमीशन मिलेगा आपको। ठीक है इसमें कही आपको देख रहे बैंकिंग सर्विस, यानी आपको कौन कौन सा सर्विस मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं APS फास्ट सर्विस मिलेगा, APS ICICI, APS फिनो, APS यस बैंक, APS RBL बैंक और मनी ट्रांसफर, CMS जो होता है यानी आपको जो फूड वाला होता है उसके यानी आप पेमेंट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट सर्विस मिलेगा जो भी आपको सबसे फास्ट और किसी भी अदर कंपनी जो सर्विस होता है उसमें आपको नहीं मिलेगा ये सर्विस, आपको कैश डिपॉजिट वाला ATM मशीन ले सकते हैं, कियोस्क बैंक होता है जो CSP जो होता है छोटा बैंक वो आप ओपन करा सकते हैं, हिताची ATM होता है जो यहाँ पे आपके लिए स्पेस होगा तो उसमें मिल जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट। ठीक है वगैरह वगैरह बहुत सारा सर्विस मिलेगा, जैसे मोबाइल रिचार्ज DTS आपको, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल गैस बिल कनेक्शन UTI पैन कार्ड, ठीक है आपको पैन कार्ड कूपन फास्ट मिलेगा आपको जो UTI होता है, ठीक है ऑफिशियल वाला मिलेगा। ठीक है और इसमें आपको बहुत सारा सर्विस मिलेगा, आधार कार्ड सेंटर भी है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है जो यहाँ पे जो टर्म कंडीशन, ठीक है जैसे आप फूड लाइसेंस GST अप्लाई बहुत सारे रिटर्न आपको अकाउंट ओपनिंग इसमें LIC बिल IRCTC एजेंट ID वो से इसमें आपको ले सकते हैं। ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर देखें जैसे बैंकिंग सर्विस में है यानी आपको APS फास्ट, यानी आपको इसका मतलब यह है यानी आपको यस बैंक देखिए किसी बैंक है यानी आपको जो मेरे कैश विड्रॉल आधार पे मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है आप कर सकते हैं किसी भी बैंक के इंडिया में जितना ही बैंक है सभी का भी कर सकते हैं। ठीक है और जैसे फिर से मैं बैक करता हूँ, बैक आने के बाद और यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए आप यस बैंक ICICI और फिनो है तो यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए आपके एग्जाम्पल से अगर आप यानी आपको APS ICICI यानी आपको सर्वर डाउन है इसका आपको यस बैंक यानी APS फिनो से निकाल सकते हैं, अगर फिनो किसी का डाउन है तो यानी आपको यस बैंक से निकाल सकते हैं, यानी आपको काम जो है यानी काम आपको रुकेगा नहीं। ठीक है इसलिए यहाँ पर इतना आपको सर्वर दिया गया है। ठीक है ये नहीं कि यानी आपको ये ICICI है तो ICICI निकलेगा, ये गलत है। ठीक है यानी आप ICICI है तो इसका भी इंडिया में जितना बैंक हो उतना का निकाल सकते हैं, और APS ICICI फिनो है फिनो से भी जितना बैंक है इंडिया में सभी बैंक का निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी मनी ट्रांसफर बिजली बिल यहाँ पे विड्रॉल सभी कर सकते हैं। ठीक है अब यहाँ पे आ गया आपको यानी आईडी कैसे मिलेगा, इसको आईडी लेने के लिए अगर चाहते हैं कि इसका आईडी लेना तो आईडी मैं यहाँ पर दिलाता हूँ, ठीक है आपको आईडी आपको मिल जाएगा वो भी मैं प्रोसेस बताऊँगा कैसे आपको आईडी लेना है। ठीक है तो सबसे पहले आईडी लेने के लिए गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइस एक लिंक मिलेगा, उस पर गाइस यानी आपको आपको क्लिक करके आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को यानी फिलअप कर देंगे। ठीक है चलिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे आपको इसमें क्या क्या है, इसमें कितना मैं अभी तक आईडी दे चुका हूँ, ठीक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट करने के बाद चलिए मैं यहाँ पे लॉग इन पर मैं क्लिक करता हूँ, अपना जो भी इसका मैं
यानी आपको डिस्ट्रीब्यूटर जो आईडी है वो मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। ठीक है गाइस, और लॉगिन करने के बाद आपको मैं वो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। K-T-G-U-K मैं यहाँ पर जैसे लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे पासवर्ड सॉरी यहाँ पर गलत बता रहा है, फिर से मैं आप में पासवर्ड को मैं यहाँ पर लॉगिन पर मैं क्लिक करूँगा पर यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा ही, क्योंकि थोड़ा फर्स्ट टाइम पासवर्ड तो रॉन्ग हो गया था। ठीक है, लॉगिन आप जैसे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आए फिल में फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर लॉगिन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यानी आपको डिस्ट्रीब्यूटर जो आईडी होता है वो आईडी मेरा यानी ओपन हो चुका है। ठीक है, जैसे आप मिलेगा मैनेज यूजर, यहाँ मिलेगा रिटेलर, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा रिटेलर आईडी पर। मेरे पास नहीं है अभी तक कितना रिटेलर जुड़ चुका है, मैं सबको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं यानी आपको आपके यहाँ पर देख रहे हैं उनका आपको रिटेलर का फोटो मिलेगा, उनका आईडी एक्टिवेशन का आईडी, यहाँ पर उनका आपको नाम मिलेगा, उनका आपको यानी आपको उनका शॉप का नाम क्या है, उनका यहाँ पर देखा आपको उनका मिलेगा रजिस्टर मोबाइल नंबर जो कि मैं यहाँ पर हायर कर चुका हूँ, यहाँ पर कब आईडी एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पर मिलेगा उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है, यहाँ पर एक्टिव है उनका। ठीक है, यह सब मिलेगा अप्रूव है। ठीक है, जिसमें आपको दिखा रहा हूँ टोटल मेरे पास कितना आईडी है, आपको देख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 एक में 7 है और 2 देखिए इस तरह से आपको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक गर्ल्स भी है वहाँ पे उनका भी मैं आईडी दे चुका हूँ। ठीक है, और 3 देख रहे हैं इस तरह से 4 5 6 यहाँ पर 6 और यहाँ पे 7 जो यहाँ पर देख रहे लास्ट यानी आपको टोटल यानी आपको 50+ में यानी आपको आईडी में टोटल यानी यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, अब इस तरह से चाहे तो क्या यहाँ पे आपको आईडी चाहे तो आईडी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपको बहुत कहीं आपको कॉस्टली डिस्काउंट में आपको मिलेगा। ठीक है, जो भी आपको यानी ज़्यादा प्राइस नहीं देना पड़ेगा, मात्र आपको 349 रुपये आपको आपको लगेगा प्राइस आपको। ठीक है, जो भी आपको इसमें आपको रिटेलर आईडी मिल जाएगा जिसमें आपको सर्विस सर्विस जो मैं सर्विस बता रहा हूँ वो सर्विस मिलेगा, और आपको सब सर्विस यानी आपको लाइफ टाइम यानी आपको एक्टिवेट रहेगा, वन टाइम परचेजिंग और लाइफ टाइम एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, अब इस तरह चाहे तो यहाँ पर आप इसमें आपको रिटेलर ले सकते हैं। गाइस इसे आपको लेने के लिए गाइस आपको नीचे गाइस कमेंट करें, नहीं तो गाइस यहाँ पर जो एक फॉर्म मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस फॉर्म को यहाँ फिलअप करेंगे और देख लेंगे, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद यानी आपको रिटेलर आईडी उसके यानी कॉन्टेक्ट करेंगे, अब वहाँ पर हमारी टीम जो होता है उससे यानी आपको संपर्क करेगा और उससे गाइस क्या होगा यानी आपको रिटेलर आईडी जो है डिजिटल गेमिंग सेवा का आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप रिटेलर आईडी ले, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा था नीचे गाइस कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो गाइस मेरा गाइस इंस्टाग्राम आईडी है sanjayofficial7, आप गाइस वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, वहाँ पे आपको यहाँ पर रिप्लाई दे सकते हैं अभी। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं कोई प्रॉब्लम हो तो यानी हमेशा इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के इतना ही।